आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, कह रहा है कि आप एक स्टूडेंट है, उसने सॉल्यूशंस प्रिपेयर किया, एक एसिड का सॉल्यूशन बनाया और एक बेस का सॉल्यूशन बनाया, दो सेपरेट डिफरेंट डिफरेंट बीकर्स में। बट सॉल्यूशन बनाने के बाद वो उनको लेबल करना भूल गया कि कौन सा बीकर में एसिड है और कौन से बीकर में बेस है। अब स्टूडेंट को नहीं पता दोनों ही जो उसके सॉल्यूशंस हैं वो दोनों के दोनों सॉल्यूशंस कैसे हैं, कलरलेस हैं, और लैब में लिटमस पेपर भी प्रेजेंट नहीं है कि लिटमस पेपर की हेल्प से वो पता कर सके, क्योंकि जो आपका एसिड होता है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा और जो बेस है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। अब ना ही उसके पास लिटमस पेपर है, ना ही उसने उन बीकर्स पे कोई लेबल लगाया कि कौन एसिड है कौन बेस है, और ना ही जो सॉल्यूशंस हैं वो भी आपके कलरलेस हैं। तो अब वो स्टूडेंट उन दोनों जो बीकर में जो सॉल्यूशंस हैं दोनों, उनको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकता है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। लिटमस पेपर के अलावा और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं हमारी लैब्स में जिनसे हम एसिड और बेस का पता कर सकते हैं, जिसमें से हमारा एक कॉमन जो नेचुरल अगर इंडिकेटर की बात करें तो वो क्या होता है, टर्मरिक, जो कि हम घर पे भी यूज करते हैं, हमारी जो हल्दी होती है वो। तो नेचुरल इंडिकेटर तो आपका क्या हो गया, टर्मरिक। इसके अलावा जो हमारे और भी इंडिकेटर्स हैं, जैसे आपका मिथाइल ऑरेंज हो गया, ओके, क्या हो गया आपका मिथाइल ऑरेंज हो गया, या फिर फिनोप्थिलीन हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सा इंडिकेटर एसिड बेस में क्या कलर देगा, हमें वो भी तो चीज पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं हम हमारे इंडिकेटर्स के नाम, ठीक है। देन हम बात करेंगे कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन, कि एसिडिक सॉल्यूशन में ये क्या कलर देंगे, एंड देन कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। और देख लेते हैं कि अगर आपके पास न्यूट्रल सॉल्यूशन है, मतलब ना एसिड है ना बेस है, न्यूट्रल है, उसमें क्या कलर देंगे, कलर इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। सभी में चेक कर लेते हैं हम अभी, ओके। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए जो आपका इंडिकेटर है वो क्या है, फिनोप्थिलीन है, तो फिनोप्थिलीन का अगर एसिड में बात की जाए तो फिनोप्थिलीन एसिडिक सॉल्यूशन में जब आप ऐड करेंगे, इसके ड्रॉप्स ऐड करनी होती है, फिनोप्थिलीन का सॉल्यूशन होता है, जब आप इस एसिडिक सॉल्यूशन में इसके ड्रॉप्स अगर ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा आपका, कलरलेस, ठीक है। अब जैसे उस स्टूडेंट को सॉल्यूशन पता ही नहीं वो एसिडिक है या बेसिक है, उसने एक बीकर है उसमें फिनोप्थिलीन ऐड किया और कलरलेस आया, मतलब कोई कलर चेंज नहीं है, तो वो एसिडिक सॉल्यूशन है। बट अगर कलर चेंज होकर के पिंक हुआ तो क्या होगा, वो बेसिक सॉल्यूशन, और न्यूट्रल में भी कोई भी कलर चेंज नहीं होता, कलरलेस ही होता है। तो देखिए, यहाँ पे आप एसिड और बेस दोनों सॉल्यूशन में बहुत ही इजीली फर्क बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंडिकेटर होता है वो होता है मिथाइल ऑरेंज, ओके। अब जो आपका मिथाइल ऑरेंज होता है, अगर मिथाइल ऑरेंज को आप सॉल्यूशन में ऐड करते हो, उसमें आपका रेड या फिर पिंकिश कलर आता है, कैसा, रेड या पिंक कलर आता है, तो वो आपका एसिडिक सॉल्यूशन होगा। बेसिक सॉल्यूशन में ये येलो कलर देता है, अगर येलो कलर आ रहा है उसके ऐड करने पे तो आपका सॉल्यूशन बेसिक है, और अगर ऑरेंज कलर आता है तो आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल है। तो जो मिथाइल ऑरेंज है इंडिकेटर, इसमें आप एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जबकि फिनोप्थिलीन में नहीं कर सकते थे, वहां से आप सिर्फ बेस को अलग कर सकते हैं, एसिड और न्यूट्रल दोनों ही कलरलेस देता है, तो वो चीज आपको वहां नहीं पता लग सकती। देन जो आपका एक और इंडिकेटर है, जो कि हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मरिक, तो जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो टर्मरिक आपका क्या देगा, येलो कलर। देन जब आप उसको बेसिक बना देंगे तो ये आपका रेडिश कलर देता है, कैसा देता है, रेडिश ब्राउन। जैसे कि देखिए, आपको पता है जब हम कई बार क्या करते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना कई बार हमसे हमारे जो कपड़े होते हैं उन पे गिर जाता है, जब वो गिर जाता है उस टाइम पे वो येलो कलर का होता है, लेकिन जब आप उस कपड़े को धुलते हैं तो हम क्या लगाते हैं, सोप लगाते हैं वहां पे, और वो आपका क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो बेसिक
सोप लगते ही वो येलो कलर आपका रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। तो ये वही तो है, सब्जी में हल्दी तो होती है जिसका वो कलर लग जाता है, और बेस के कॉन्टेक्ट में आते ही आपका कलर कैसा चेंज हो गया, रेडिश ब्राउन हो गया। और अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है तो ये होता है आपका येलो, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंडिकेटर्स है जिनसे आप एसिड और बेस के बीच में फर्क पता कर सकते हैं, अगर आपके पास लिटमस पेपर नहीं है तब भी। ओके, क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।